तो हेलो गाइस, मेरा नाम है करण सिंह डाना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी न्यू चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। आज मेरी भी एनर्जी को ज्यादा है तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द वर्क। तो वर्क की डेफिनेशन, द वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे और वो अपनी पोजिशन चेंज कर जाए, डिस्प्लेस हो जाए, मूव हो जाए, देन वी सेड दैट द वर्क हैज बीन डन। तब बोलेंगे कि वर्क डन हो गया जी। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ना हो, मूव ना हो, देन द वर्क डन विल बी जीरो। तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो विद द डेफिनेशन ऑफ वर्क वी हैव द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन। ठीक है। अब वर्क के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं जी? वर्क के एसआई यूनिट होते हैं जूल, इट इज प्रोनाउंस एज जूल नॉट जाउल, ओके, रिप्रेजेंटेड एज जे, ओके। तो फॉर्मूला देखो जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। फोर्स के यूनिट क्या आते हैं? एसआई यूनिट न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या आते हैं? मीटर। तो वन जाउल बिकम वन न्यूटन इंटू वन मीटर। तो इसको डेफिनेशन से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, डेफिनेशन आ रही होगी नीचे, आप ध्यान से दे सकते हो। ये वाली डेफिनेशन आपको याद करनी है कि व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन एंड डिफाइन इट। ठीक है, ये हो गया जी आपका एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। अब उसके बाद एक स्पेशल चीज जो आती तो प्लस वन में है बट हम नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट को भी कराते हैं, विच इज अ पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड द वर्क डन जीरो। तो ध्यान से देखो, सपोज करिए कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉक्स है विच इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ ये वाला बॉक्स, और हम चाहते हैं कि ये वाला बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करे, किस डायरेक्शन में मूव करे, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, विच इज ओके। नाउ अगर हम फोर्स कुछ एंगल पे अप्लाई करें, कुछ एंगल पे अप्लाई करें फोर्स, देखो ध्यान से, अगर फोर्स को ऐसे अप्लाई करें एंड द फोर्स इज मेकिंग एन एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगल, इसको बोलते हैं जी थीटा। थीटा का मतलब एंगल ही होता है, ठीक है। थीटा इज अ एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स अगर ऐसे लगाई तो नॉर्मल सी बात है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ऐसे तो जाएगा नहीं, हवा में तो जाएगा नहीं, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब होता क्या है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ना कोई एंगल हो और इसको इजी स्टडी करना हो, देन वी स्प्लिट फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। ये प्लस वन में आपको आएगा अच्छे से, ठीक है, कि फोर्स के दो पार्ट्स कर देते हैं इसको इजी बनाने के लिए, ठीक है। अब फोर्स के दो पार्ट कैसे करेंगे? दो पार्ट ऐसे करने हैं कि एक तो जो पार्ट है वो जाए अलोंग द एंगल, ठीक है, वो वाला पार्ट जो जाएगा अलोंग द एंगल उसको बोल देते हैं जी एफ वन, ठीक है। और दूसरा पार्ट शुड बी परपेंडिकुलर, दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और वी हैव द टू पार्ट्स एफ वन एंड एफ टू। अब ध्यान से देखना, एफ वन क्या है जी? एफ कॉस थीटा, एंड एफ टू क्या है? एफ साइन थीटा, ठीक है। जो अलोंग द एंगल है कॉम्पोनेंट विच इज एफ वन, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एफ कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है इट इज रिप्रेजेंटेड एज एफ साइन थीटा। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है? दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है। मैथ में पढ़ोगे 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वहां ये वाला पता चलेगा कि कॉस एंगल और साइन एंगल होता क्या है, व्हाट इज द कॉस थीटा एंड व्हाट इज द साइन थीटा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, हमने क्या किया, फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, उसके दो कंपोनेंट करे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, ठीक है। एफ कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट? विच इज अलोंग द थीटा, अलोंग द एंगल, और दूसरा गया विच इज अ परपेंडिकुलर टू द एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कौन सा कंपोनेंट बिटवीन एफ वन एंड एफ टू डिस्प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है? कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इसमें। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा? ये वाला। इट मींस कि वर्क डन में या डिस्प्लेसमेंट में एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो
अपना रोल प्ले कर रहा है और एफ साइन थीटा रोल प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। अब एफ साइन थीटा एक्चुअली अगर कुछ स्टूडेंट्स के मन में होगा कि गया कहां, तो वो गया कहां, तो वो वेस्ट हो गया? नहीं, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो किसके साथ कैंसल आउट हो गया? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम इंटू जी, ये वाला कैंसिल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, और जो F1 कंपोनेंट है इट हेल्पिंग इन द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है, ठीक है, नाइन्थ क्लास में आप जो एक्सप्रेशन करोगे इट इज एफ एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, बट कुछ केसेस में W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब ये वाला एक्सप्रेशन कहां से आया? देखो ध्यान से, कौन सा कंपोनेंट हेल्प करा? F1, ठीक है, तो F1 कौन सा कंपोनेंट है? F cos theta, so we'll write at it is F cos theta and displacement is represented by S, तो क्या आ गया जी? F S cos theta is the real expression of the work done, ठीक है, ध्यान से समझ आया ये वाला work done वाला, ठीक है। अब आपको तीन values याद करनी है cos theta की, ये आ गया जी expression हमारा work का, W is equal to F S cos theta, और आपको तीन वैल्यूज याद करनी, कौन सी तीन वैल्यूज? cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्रीज एंड cos 180 डिग्रीज, ठीक है। cos 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है जी 1, cos 90 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 0 एंड cos 180 इसकी वैल्यू होती है -1। अब ध्यान से देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स भी अगर इसी डायरेक्शन में हो, एंड वो देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसी डायरेक्शन में फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल हो गया जीरो, ठीक है, एंगल हो गया जीरो। तो फर्स्ट केस में, तो अगर केस की बात करें, फर्स्ट केस में व्हेन द थीटा एंगल इज जीरो डिग्रीज, देन द वर्क डन विल बी एफ एस, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? F into S, तो वर्क डन आया हमारा पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, ठीक है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, ठीक है। अगर सेकंड केस की बात करें कि हमने क्या करा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स लगाई अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू? 90 डिग्रीज। अब अगर ध्यान से सोचो, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाओ और चाहो कि उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, तो होगा नहीं, ठीक है, इट मींस कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा देन द वर्क डन विल बी जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो देखो कैसे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉज। अगर सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस में व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री, व्हेन द थीटा इज 90 डिग्री, देन कॉस 90, द कॉस 90 की वैल्यू कितनी है? जीरो, तो W इज इक्वल टू एफ एस इनटू जीरो, देन आंसर विल बी जीरो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? जीरो, मींस ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करा, वर्क हुआ ही नहीं, ठीक है। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस की अगर बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है और मैंने उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाई, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो कितना एंगल होगा ये वाला? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री एंगल जब हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी है? -1। इट मींस थर्ड केस की बात करें, W इज इक्वल टू एफ एस कॉज 180 डिग्री, ठीक है, F S cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू है जी -1, तो आंसर आ जाएगा जी हमारा W is equal to minus F into S। मतलब क्या है इसका कि वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव एंड मिनिमम, ठीक है। न्यूमेरिकली अगर बात करें तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, यस वर्क डन कैन बी इन द नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर एंगल 180 डिग्री हुआ, अगर हमने कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाई और वो रुक गया या उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है। ये थ्री केस थे, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो।
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वर्क के बाद, इट इज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी होती क्या है, जितना हम काम करेंगे दैट इज द एनर्जी। तो वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एनर्जी। ओके, अगर डेफिनेशन की बात करें, एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज द एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज द एनर्जी, बेसिकली जो भी हमारा एक्सप्रेशन मैथमेटिकली वर्क आएगा दैट विल बी द एनर्जी। नाउ कितनी टाइप्स की एनर्जीज होती है, बहुत टाइप की एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और पता नहीं कितनी, बहुत सारी। बट हमारे जो सिलेबस में, नाइन्थ क्लास के सिलेबस में सिर्फ टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज है। ठीक है, वन है जी काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी सुन के क्या फील आती है, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? अगर बात करें मोशन की तो काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। देन डेफिनेशन देखिए, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आओ डिराइव करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन से ही स्टार्ट करेंगे हमारी सारी जर्नी। कि सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हैविंग मास m, स्टार्ट फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी u, हैविंग एन एक्सेलरेशन a, इन सम टाइम t, आफ्टर कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट s, इट हैज अ फाइनल वेलोसिटी v। ये जो मैंने बोला इसको रिमाइंड करके ध्यान से सुन लो, क्योंकि दिस इज द थ्योरी। ये होती है जी थ्योरी जो हम डेरिवेशंस में यूज करते हैं, कि हमको कुछ ना कुछ क्वांटिटीज माननी पड़ती है, कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, कुछ मास m है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन है, ये आपको पता है, पहले भी कर चुका हूं। अब सीधा चलते हैं, ये थ्योरी लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यूज करनी है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, आपको याद होगी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as. These are the three equations of motion. याद करनी है। उसके बाद kinetic energy का expression find out करने के लिए हमको find out करनी पड़ेगी energy. ठीक है, उसको work done, हमको find out करना पड़ेगा work done, उसको energy के equal कर देंगे। अगर कोई भी object motion में आए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। ठीक है, तो यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहां से हम फाइंड आउट करते हैं जी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल टू s इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आफ्टर सम टाइम t। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर होगी जी s। ठीक है, अब इसके बाद वर्क डन की डेफिनेशन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू एस। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास एम है, ठीक है, जा रहा है वो, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए, याद ठीक है, m into a, तो force is equal to m into a from this, and displacement की वैल्यू हमने निकाल दी v square minus u square by 2a, तो a के साथ a cancel, तो आपके पास work done की वैल्यू कितनी आ गई, it is equal to half, it is 2, half m v square minus u square, ठीक है, v square minus u square, W is equal to, अगर हम ब्रैकेट को खोलें, half m v square minus half m u square, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया हमारा, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, इट इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम, इट इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आप ध्यान से देखो,
काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है एक बार ड्राइव कर लेते हैं, ड्राइव करते हैं जी। अगर हम सपोज करें कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इफ वी आर सपोजिंग द यू इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में ये वाली चीज डिफाइन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे नहीं था, वो मूव कर रहा था विद सम वेलोसिटी वी। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो जितना वर्क डन हुआ उतनी एनर्जी हुई। कौन सी एनर्जी है जी? ये काइनेटिक एनर्जी है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी। ठीक है, विद द वेलोसिटी वी, ये आ गया जी एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर अब इसको ध्यान से देखो, इधर W is equal to half m v square minus half m u square. अगर सपोज करें कि ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, तो half m v square it is a final kinetic energy, है ना, final kinetic energy, and half m u square is a initial kinetic energy, final minus initial it is a change, final से initial minus करोगे then it will be the change, तो वर्क डन किसके इक्वल आया, इट इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है। अगर इसको इसमें यू की वैल्यू जीरो कर दें, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो कर दें, देन वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आपको याद करना है वो याद करना है जी हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात आ जाए जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों गिवन हो, देन वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, इसके रिलेटेड आगे और भी न्यूमेरिकल आएंगे अनदर टॉपिक्स के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे जो पहला न्यूमेरिकल है इट इज बेस्ड अपॉन द वर्क एंड द फोर्स, कि अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, कि 7 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड इट गेट डिस्प्लेस बाय 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन व्हाट विल बी द नेट वर्क डन। इजी है ये वाला, तो कि फोर्स कितनी अप्लाई करी, 7, एफ इज इक्वल टू 7 एंड डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 8, तो वर्क डन कितना आएगा, एफ इंटू एस 7 इंटू 8 विच इज इक्वल टू कितना, 56 न्यूटन, 7 इंटू 8 56 जूल, जब जब में आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के ऊपर अब करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास m दिया है, मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी मूविंग, सॉरी इनिशियल दी हुई है, कोई भी वेलोसिटी देख लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी डबल। इसके बाद ये देखते हैं गिवन क्या है हमको, हमको गिवन है जी कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है वो पता नहीं, ठीक है, और उसके बाद क्या गिवन है जी, वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 25 जूल। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जो जो वैल्यू गिवन है इस फॉर्मूले में पुट करो तो मास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 25 हाफ एम वी, वी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 25 के साथ 25 कट, 2 इधर आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू एम, इट इसका मतलब 2 kg इज इक्वल टू मास, मास हमारे पास आ गया जी 2 kg। अगर मैं थ्योरी की बात करूं प्रैक्टिकली, अगर किसी भी क्वेश्चन का ऐसा आंसर देना हो जिसमें काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी या मास के बीच में रिलेशन पूछा हो, ठीक है, इंक्रीज करो डबल करो ट्रिपल करो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है 2 फैक्टर्स के ऊपर, मास एंड वेलोसिटी, मास की सिंगल पावर के ऊपर और वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर। ग्रेविटेशन में भी ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर डबल करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर मास को डबल करा, मास की सिंगल पावर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, अगर मास को डबल करा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डबल। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर वेलोसिटी को डबल करा, अगर वेलोसिटी को डबल करा
काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जी 4 times, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर स्क्वायर के ऊपर कोई भी क्वांटिटी डिपेंड करती है, अगर डबल बोल दें तो कितनी हो जाएगी 4 times, अगर ट्रिपल बोल दें 3 times बोल दें कि 3 times वेलोसिटी को इंक्रीज करा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 9 times, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब मैथमेटिकली प्रूफ के साथ देख लो कैसे, मास तो आ गया जी हमारा 2 kg, ठीक है, डन। अब इसके बाद बोला है जी अगर अगर वेलोसिटी को डबल कर दें, ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस, मास तो सेम ही रहा 2 kg, वेलोसिटी को अगर डबल कर दे, वेलोसिटी को डबल करके कितना कर दिया 5 का कर दिया जी 10 meter per second, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्सप्रेशन लगा के 1/2 mv², ठीक है, 1/2 × m 2 × v² 10 का स्क्वायर, 2 के साथ 2 कट, 10 का स्क्वायर 100, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 joule। अगर ध्यान से देखो पहले काइनेटिक एनर्जी थी 25 व्हेन द वेलोसिटी इज 5, अगर वेलोसिटी को डबल करा तो काइनेटिक एनर्जी होगी 4 times, 25 × 400, ठीक है, समझ आ रही बात। थर्ड केस की अगर बात करें कि वेलोसिटी को कर दिया 3 times मतलब 5 का कर दिया 15 meter per second, मास को चेंज नहीं करा, मास वही है 2 kg, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv² फॉर्मूला लगाइए, 1/2 mv 15 का स्क्वायर, ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल, 15 का स्क्वायर होता है 225 joule। अगर आप इसको भी रिलेट करो, पहले था 25, अब हो गया 225, 9 times इंक्रीज हो गई, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी वो 9 times इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को हमने 3 times इंक्रीज करा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, आपको स्टेटमेंट दिख रही होगी, द बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मास है जी 4 kg, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 meter per second, u is equal to 0 meter per second, subjected to the force of 16 newton, जो जो value की मैंने लिख रहे हैं, what is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds, time given है 10 second, तो कैसे find out करेंगे, देखो, kinetic energy के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक mass और एक velocity, initial velocity तो 0 है, means हमको चाहिए एक final velocity, ठीक है, मास गिवन है हमको, बस फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो फाइंड आउट हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी के इक्वेशन लगी, 3 equations है, मैं सपोज फर्स्ट ले रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस at, अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, बट एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी चाहिए, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम, फोर्स कितनी है जी 16, मास कितना गिवन है 4, तो एक्सेलरेशन ए निकल जाएगी, 16/4 = 4 = a, मतलब 4 m/s² is equal to a, acceleration की वैल्यू आ गई, ठीक है, अगर acceleration की वैल्यू इसमें फिल कर रही, v is equal to 0, initial velocity 0 plus 4 into time कितना, time देखो कितना है 10, तो 40 seconds आ गया जी, ठीक है, v is equal to 40 seconds, ओहो, v is equal to 40 seconds नहीं, meter per second, इसके units meter per second होते हैं, तो final velocity आ गई, काइनेटिक एनर्जी कैसे फिल करो, बस वैल्यू 1/2 m² × 40 = 80 joule, तो आंसर आ गया जी हमारा 80 joule, ऐसे क्वेश्चन आएंगे काइनेटिक एनर्जी के। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नाम से ही लग रहा है एनर्जी ही होगा कुछ, पोटेंशियल स्टैंड फॉर हेयर पोजिशन, डेफिनेशन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी इट इज अ एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यहां पर सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड की बात हो रही है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि इस मार्कर को यहां से उठाकर यहां रख दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी भी है, बट आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, आपके जो सिलेबस में एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी इट इज ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड से उठाकर ऊपर रख दिया या ऊपर से नीचे कर दिया,
तो पोजीशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस मार्कर को सपोज करें कि इस पोजीशन में है, ग्राउंड पे है, सपोज ये ग्राउंड पे है एट अ पॉइंट ए, तो अगर हमने उठा के इसको यहां पे रख दिया, तो मैंने अपनी बॉडी की एनर्जी यूज करी, तो बॉडी की एनर्जी इस मार्कर में स्टोर हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का अब फॉर्मूला और उसका एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे। पोटेंशियल एनर्जी है तो ये एनर्जी ही, मीन्स हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्चुअल में वर्क में। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है एट अ ग्राउंड पोजीशन। ठीक है, ग्राउंड पोजीशन पे, एट ग्राउंड हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास एम है और उसके उसका वेट है जी एम इंटू जी। ठीक है, उसका मास एम एंड वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। चलो बड़ा करके लिख देते हैं आपके लिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी एट ग्राउंड। ठीक है, तो एट ग्राउंड उसकी टोटल एनर्जी जीरो है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, टोटल वेलोसिटी, टोटल सारा कुछ उसका जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक भी जीरो। अब इसको उठाकर हमने क्या किया, एट सर्टन हाइट एच, यहाँ के यहां पर ले गए। ठीक है, अगर यहां पर ले गए तो कितनी हाइट कवर करी एच, तो अबव द ग्राउंड कितनी हाइट है जी एच। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हो गई एच। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितनी फोर्स हमने अप्लाई करी होगी, कितनी फोर्स अप्लाई करी होगी, जितना इसका वेट है उतनी फोर्स अप्लाई करी होगी ना, तो जितना इसका वेट उतनी फोर्स, तो एम इंटू जी। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट है एच, तो वर्क डन कितना हुआ एम जी एच। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है जी एम जी एच, एम फॉर मास, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज अ हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये है जी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल देख लो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 केजी इज रेज्ड टू अ हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पूरा आगे और भी है, अब इतना से करते पहले कि ऑब्जेक्ट का मास 40 केजी है, मास गिवन है जी 40 केजी, हाइट कितनी कवर करी ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर्स करी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम जी ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टैंडर्ड वैल्यू तो 9.8 होती है, अब 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, फॉर्मूला है जी एम जी एच। ठीक है, मास 40, ग्रेविटी 10, हाइट 5, तो मल्टीप्लाई करके 40 × 10, 400 × 5, 2000 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई जी 2000 जूल। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्वेश्चन है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। अब ध्यान से देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाली ग्राउंड पोजीशन है, ये वाली हाइट है जी 5, ये वाली हाइट है जी 5 मीटर। ठीक है, हाफ वे का मतलब है अबव द ग्राउंड कितनी होगी हाइट 2.5 मीटर। ठीक है, हाफ वे मीन्स दिस पॉइंट, ये वाला, इसको पॉइंट मार्क कर देता हूं बी। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को फॉल करवाया, हाफ वे आ गया विच इज अबव द ग्राउंड 2.5 मीटर एट पॉइंट बी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड आउट करें एम जी एच, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, मास तो वही रहेगा 40, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो हाइट कितनी होगी 2.5। अगर इसको कैलकुलेट करोगे 400 × 2.5, द आंसर विल बिकम 1000 जूल, मतलब 1000 जूल एनर्जी कहाँ होगी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी गई कहाँ, पहले थी कितनी 2000, अब होगी कितनी 1000, तो ये जो बाकी एनर्जी वो कहां गई, वो हेल्प कर गई इस ऑब्जेक्ट को मूव करने में, वो वाली एनर्जी हेल्प कर गई इस ऑब्जेक्ट को मूव करने में, और मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। मींस डिफरेंस ऑफ दिस एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी, इसका डिफरेंस, इसका अगर माइनस करोगे, डिफरेंस निकालोगे, देन इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1000 जूल, जितनी एनर्जी पोटेंशियल
कम हुई उतनी कनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इसको बोलते हैं इंटरकन्वर्शन ऑफ एनर्जीज, कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई कनेटिक एनर्जी। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत फेमस और इजी क्वेश्चन है। अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रन अप अ स्टेयरकेस ऑफ 40 स्टेप्स इन 8 सेकेंड्स। ध्यान से देखो, मतलब कोई बंदा, कोई लड़का ऐसे जा रहा है, स्टेप्स कवर कर रहा है, ठीक है, 40 स्टेप्स है, ठीक है, और इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, ये वाली जो हाइट है 15 सेंटीमीटर, सबकी 15 15 15 सारे सबकी सेम है, ठीक है, ग्रेविटी दी हुई, व्हाट इज इट्स पावर, पावर पावर वाला कर लिया हमने, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए एम जी और एच। मास गिवन है, कितना मास गिवन है, मास गिवन है जी 50 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता आपको 10 होती है, क्या फाइंड आउट करना रह गया, एच द टोटल हाइट काउंट। अब ध्यान से देखिए, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, मतलब 15 15 हो गई, मतलब अगर 40 स्टेप्स होंगे अबव द ग्राउंड तो 15 इंटू 40 कितनी हाइट होगी, 40 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, अगर मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 600 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 6 मीटर, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर, मतलब टोटल हाइट जो कवर करी है इट इज 6 मीटर्स, ठीक है, तो कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी 10 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा 3000 जाउल, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 जाउल, जो पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आगे है, ठीक है, इसके बाद ही अभी लेट, ठीक है, बस ये वाले दो न्यूमेरिकल्स हो गए जी पोटेंशियल एनर्जी के। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज द पावर। तो क्या होती है पावर, पावर इज द एक्चुअल एबिलिटी टू डू वर्क पर यूनिट टाइम, और इट इज अ वर्क पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, जो मर्जी बोल लो इसको, ठीक है, कितनी एनर्जी या कितनी कितना वर्क करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान कितने वक्त में, वो रिप्रेजेंट करता है पावर, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द पावर। अब ध्यान से देखो, वही यूनिट पी इज इक्वल टू वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर, ठीक है, तो पावर के ऐसा यूनिट, बल्ब खरीदा कभी, बल्ब की कुछ पावर होती है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ वही वॉट, पावर के जो ऐसे यूनिट है इट इज वॉट, वर्क डन के ऐसे यूनिट जूल, और टाइम के ऐसे यूनिट सेकेंड। सो डेफिनेशन कैसे बनेगी ऐसे यूनिट ऑफ पावर की, द वन वॉट, या द पावर इज सेड टू बी वन वॉट व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड, ठीक है, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ वॉट, ठीक है, पावर की एक्सप्रेशन आ गया हमको, हमारे पास, ठीक है। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वही जो अभी अभी रिसेंटली न्यूमेरिकल करा हमने, जो अभी अभी रिसेंटली न्यूमेरिकल करा है स्टेयर केसेस वाला, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी थी ऑब्जेक्ट की, उसमें टाइम गिवन था कि 40 स्टेप्स कवर कर देता है 8 सेकेंड में, ठीक है, हमने एनर्जी फाइंड आउट करी थी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी थी विच इज 3000 जब, ठीक है, कितने टाइम में कवर कर देता है 8 सेकेंड्स में, अगर 8 सेकेंड्स में कवर कर देता है इतनी, मतलब इतनी एनर्जी यूज कर लेता है, तो इसकी पावर कितनी होगी, पावर इज इक्वल टू वर्क डन और एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी कितनी है 3000, टाइम कितना 8 सेकेंड, तो पावर के यूनिट वॉट, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 375 वॉट, ठीक है, पावर आएगी जी 375, ठीक है, ये थे पावर वाले न्यूमेरिकल, इसके रिलेटेड कुछ आएंगे कि फाइंड आउट करनी होगी एनर्जी, उसको टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द पावर, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है
इस पावर में, वो है जी कमर्शियल यूनिट। पावर के बाद जो है इट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो उसके एसआई यूनिट तो हमेशा रहेंगे जूल, जाऊ, जो भी आपको बोलना है जी, ठीक है। कमर्शियल यूनिट होते हैं इट इज अ किलो वॉट आर, जो बिजली का बिल आता है हमारा उसके जो यूनिट होते हैं बोलते हैं कि इतने यूनिट यूज हो गए, दैट इज अ किलो वॉट आर, ठीक है। अब किलो वॉट आर एंड द जाउल, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो हियर इट गोस। तो ध्यान से देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, सो वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, डब्ल्यू इज इक्वल टू जे बाय एस, इसको ध्यान में रखना अपने, ठीक है। अब डराइव करते हैं, किलो वॉट आर, वन किलो वॉट आर इज इक्वल टू एक किलो वॉट में कितने वॉट, 1000, एक घंटे में, एक आर में कितने मिनट, 60, और एक मिनट में कितने सेकेंड, 60, ठीक है जी, वॉट सेकेंड, 1000 वॉट, ठीक है, 60 into 60 सेकेंड, ठीक है जी, 60 into 60 360, या 6 into 6 36, और कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5, तो 10 raised to power 5 वॉट इनटू सेकेंड। अब बुक वालों ने क्या करा, यहां पर रुके नहीं, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करा कि डिवाइड बाय 10 कर देता हूं और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूं, ठीक है। डिवाइड बाय 10 किया तो 3.6, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 10 raised to power 5 into 10 raised to power 1, विच इज इक्वल टू 10 raised to power 6 वॉट इनटू सेकंड। अगर वॉट इनटू सेकंड करें तो क्या आएगा, जूल। तो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इनटू 10 raised to power 6 जूल। इट इज योर रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट कि एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मीन्स उसकी फॉर्म को चेंज करते कर सकते हैं। इसमें हम यूज करेंगे जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, कि अगर ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एच तो उसकी टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले वही डेरिवेशन में थ्योरी लिखेंगे कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट अ सर्टेन हाइट h एंड इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो एक्सेल जो जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है, बेसिकली इतना ही है, बहुत है। अब इसके बाद जब थ्योरी लिखती, ठीक है, जब थ्योरी लिख लिया आपने तो तीन डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, पॉइंट ए बी और सी। हमने सपोज क्या करा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच हैज मास m, वेट w इज इक्वल टू m into g, उसको हमने कुछ सर्टन पॉइंट ए पे रख दिया विच इज अबव द ग्राउंड एट सर्टन हाइट h, ये टोटल हाइट है जी h, ठीक है। अब इसको फ्रीली फॉल कराना, मतलब छोड़ देना, अगर इसको छोड़ा तो ये वाला धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो ग्राउंड के ऊपर हिट करेगा, ठीक है, तो ग्राउंड वाले पॉइंट को हमने बोल दिया एट पॉइंट सी। और इस जर्नी के बीच में कोई भी रैंडमली पॉइंट कंसीडर करा विच इज पॉइंट बी विच इज हैज द डिस्प्लेसमेंट एक्स, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करी, एंड एट पॉइंट बी हाइट अबव द ग्राउंड कितनी रहेगी, एच माइनस एक्स। ये वाली थ्योरी, ये वाले वर्ड्स मेरे ध्यान से सुनो कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा ए से बी एक्स, और एट पॉइंट बी कितनी हाइट है अबव द ग्राउंड, इट इज एच माइनस एक्स। जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को की जो हाइट लेनी है वो हमेशा लेनी है अबव द ग्राउंड, और जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन केस ऑफ मोशन, इन केस ऑफ मूवमेंट, देन वी यूज द डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। अब एट पॉइंट ए बी और सी तीनों पॉइंट्स पे हमको टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम आई तीनों केस में देन द एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो आओ करते हैं, एट पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट की बात करें
तो अगर हमने अभी ड्रॉप नहीं करा, सिर्फ ए पॉइंट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, मास तो कुछ होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी विल बी जीरो. इफ द वेलोसिटी विल बी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एट पॉइंट ए कितनी होगी? जीरो होगी. ओके जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू कितनी होगी? एम जी एच, एक्सप्रेशन होता है एम जी एच, मास है एम, ग्रेविटी जी, हाइट अबव द ग्राउंड एच, सो एम जी एच. तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जीरो प्लस एम जी एच, एंड वी गेट द आंसर एम जी एच. ठीक है, एट पॉइंट ए वैल्यू कितनी आई? एम जी एच. अब एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, अगर एट पॉइंट बी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कवर करा, डिस्प्लेसमेंट कवर करा जी एक्स, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू जीरो, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी ना बी पॉइंट के ऊपर, तो उसको ले लेते हैं जी वी, एक्सेलरेशन कुछ होगी ए, डिस्प्लेसमेंट कवर करा x, तो यूजिंग द थर्ड इक्वेशन v square माइनस u square इज इक्वल टू टू जी एस, हमने g की यूज करा क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था, अगर ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g को, सॉरी a को हम रिप्लेस कर सकते हैं g के साथ, v square माइनस u square इज इक्वल टू टू as, और a को रिप्लेस कर सकते हैं g के साथ, ठीक है. तो यहां पर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू कितनी है? जीरो. फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एस, और एस क्या है हमारी? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है ए से बी? डिस्प्लेसमेंट कवर करी है जी एक्स, तो वैल्यू फिल कर दी एक्स, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? टू जी एक्स, टू के साथ टू कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी एम जी एक्स, दिख रहा है ना आपको, ठीक है. ये सिर्फ आई है काइनेटिक एनर्जी, हमको फाइंड आउट करनी है टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी एच, एच का मतलब होता है हाइट अबव द ग्राउंड, एट पॉइंट बी हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है? एच माइनस एक्स, ठीक है. तो इसको खोल दो ब्रैकेट को, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ये है जी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक और पोटेंशियल जितनी भी आई है इसको प्लस कर देंगे. काइनेटिक एनर्जी आई है एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी आई है एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एक्स के साथ एम जी एक्स कैंसिल, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एम जी एच. अगर ध्यान से देखो तो यहां पर भी एम जी एच वैल्यू आ रही है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए यहां पर भी एम जी एच वैल्यू आ रही है. अब रह गया जी एट पॉइंट सी, यहां पे कर देते हैं, ठीक है. एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी? एट पॉइंट सी मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आ गया तो उसकी हाइट अबव द ग्राउंड कितनी होगी? जीरो. तो एम जी एच कितनी वैल्यू होगी? जीरो. तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो सीधा होगी जीरो, ठीक है. बची काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, वही फॉर्मूला, इसमें बस वी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एस, ठीक है. v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, टू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड s डिस्प्लेसमेंट. a से लेके c तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ होगा? इट इज h, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट a कितनी होगी? जीरो. तो वैल्यू फिल कर दी, ठीक है. तो वैल्यू फिल करने के बाद v स्क्वायर आ गया जी 2gh. तो यहां पर अगर फिल करेंगे हाफ m, v square की वैल्यू कितनी है? 2gh, 2gh, 2 के साथ 2 कैंसिल, we will get mgh. काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई?
एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जीरो, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारी एम जी एच। अगर ध्यान से देखो तो तीनों केस में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, एम जी एच एम जी एच एम जी एच। इट रिप्रेजेंटिंग दैट द टोटल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन अ ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के अंडर फॉल करेगा तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ये था जी आपका एंटायर चैप्टर वर्क पावर एनर्जी विद न्यूमेरिकल थ्योरी एंड ऑल द फॉर्मूलास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल पढ़ते रहिए, जय हिंद।